आप में से कोई अगर फर्स्ट टाइम आया चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कर सकता है चैनल को इसी तरह के और वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक, वीडियो को देखने के बाद कर देना, कोई बात नहीं। तो चलिए बात करें पहले फीचर के बारे में। तो इसको दोस्तों आपको इनेबल करने के लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर जाना है, फिर एडिशनल पे और फिर एसेसिबिलिटी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैग्निफिकेशन का। मैं आपको बता दूँ ये फीचर हमारे फ़ोन के अंदर बहुत पहले से अवेलेबल है, बट मुझे नहीं लगता बहुत ही कम लोगों ने इसे यूज़ करा होगा। तो सबसे पहले हमें इस फीचर को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद ये कैसे वर्क करता है, अगर आप साइड में ट्रिपल टैप करते हैं तो इस तरह से आप देख रहे होंगे जो फोन है वो जूम हो जाता है, मतलब जो स्क्रीन है फोन की वो जूम हो जाती है। और ये आपके कैसे यूजफुल, मतलब कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, मान लीजिए आप कोई नोट्स पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो देखते वक्त ज्यादा जूम नहीं हो पाता है, उस समय आप इस तरह से जूम कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ भी उसका ध्यान से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगेन उसी पर जूम ट्रिपल टैप करने पर यह वापस से जूम आउट हो जाता है। कहीं भी ये वर्क करेगा फोन के किसी भी साइड में, चाहे कोई थर्ड पार्टी ऐप हो या फिर कुछ और हो, तो आपके बहुत ही काम में ये फीचर आ सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करें हम अगले फीचर के बारे में, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फीचर है ये भी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम में आ सकता है। सबसे पहले आप मेरे फ़ोन को देखिए, मतलब फ़ोन कैसे चल रहा है। अगर आप मेरे फ़ोन को ध्यान से देखते होंगे तो अभी जो मेरे फ़ोन के ऐप्स हैं या फिर जो एनिमेशन है वो किस तरह से आ रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा कि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रहा है। और यहाँ से देखिए कितनी जल्दी से सब कुछ ओपन हो जा रहा है। तो ये दोस्तों अभी मैंने अपने फ़ोन के अंदर क्या क्या कर रखा है, जो एनिमेशन है उनको पूरी तरह से क्लोज कर रखा है। इसके करने के किसको करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए बहुत सारे फ़ोन्स को तो एडिशनल सेटिंग में जाकर एक्सेसिबिलिटी में रिमूव एनिमेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन जिसमें नहीं दिया उसमें आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना है, वो सभी को आता है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसको हमें पूरी तरह से ऑफ कर देना है, ना ही यहाँ पर हमें वन करना है ना ही टू करना है, सिंपली आप इसको ऑफ कर दीजिए। जब आप ऑफ कर देंगे तो ये जो एनिमेशन है ये क्लोज हो जाती है। इससे क्या होता है, फ़ोन थोड़ा फास्ट भी लगता है और इससे दोस्तों फ़ोन की जो बैटरी है वो भी सेफ होती है, एंड जो फ़ोन का जो लुक है वो अलग ही आता है। तो ये फीचर आप अपने फ़ोन के अंदर इनेबल करवा सकते। और नेक्स्ट जो फीचर है वो भी सभी यूजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप हम अपने फ़ोन के अंदर लॉक लगाते हैं, पैटर्न, पासवर्ड, पिन, कुछ भी हम अपने फ़ोन के अंदर लगाते हैं, लेकिन एक चीज़ अगर आप नोट करेंगे तो लॉक स्क्रीन पर हमारा जो नोटिफिकेशन पैनल है वो भाई ओपन हो जाता है, और यहाँ से आपका फोन कोई भी छेड़ सकता है। यहाँ से एयरप्लेन मोड ऑन हो जाता है, यहाँ से हॉटस्पॉट ऑन हो जाता है, यहाँ से जीपीएस, कुछ भी कोई भी छेड़ सकता है। और ये प्रॉब्लम मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने फेस करी होगी और क्या पता अभी भी फेस कर रहे होंगे, तो भाई इसको जरूर आप डिसेबल कर लीजिए, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपका फोन सिक्योर रहे। करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ नोटिफिकेशन पर जाके एक आपको ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन पे, इसको हमें क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जा रहा है ओपन नोटिफिकेशन शेड ऑन लॉक स्क्रीन, तो यह भाई हमेशा ऑन रहता है, हमेशा ये ऑन रहता है, तो अभी हमें इसको ऑफ कर देना है। तो चलिए इसको हम ऑफ कर देते हैं। इसके बाद आप अपने जो व्हाट्सएप के आपके नोटिफिकेशन आते हैं उसको भी आप हाइड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो अभी हमने इसको सेटिंग को अप्लाई करा, इसके बाद जब हम अपने फोन के लॉक स्क्रीन में जाते हैं तो अब हम कितना भी स्वाइप कर लीजिए, देखिए यहाँ पे जो मेरा लॉक नोटिफिकेशन पैनल है वो पूरी तरह से लॉक हो चुका है। तो भाई अब हो गया है पूरी तरह से फोन सिक्योर, यानी कि आपके पीछे से आपका फोन कोई भी नहीं छेड़ सकता है, और ये सेटिंग सभी फोन के अंदर अवेलेबल है, तो इसको जरूर कर लेना। तो भाई लास्ट वाला फीचर बताने से पहले बस मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर देना। बाकी चलिए लास्ट वाले फीचर के बारे में बता दूँ तो वो दोस्तों आपको मैं बता दूँ, ये है डेमो मोड। ये आप अपने फ़ोन को शो ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी को दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है, डेवलपर ऑप्शन सभी को इनेबल करना आता ही है। यहाँ में एक ऑप्शन दिया जा रहा है डेमो मोड का, डेमो मोड सभी को मिला हुआ है, तो डेमो मोड जैसे ही आप इनेबल करेंगे आपको यहाँ से ओके करना, ओके करने बाद आप देखेंगे जो मेरे फ़ोन के अंदर अभी सिम नहीं थी नेटवर्क आ गए, वाईफाई नहीं था वाईफाई कनेक्ट हो गया, और बैटरी भी इसमें 100% चार्ज हो जाती है, बट अभी पता नहीं अब कैसे ये वर्क कर रहा है। तो ये मतलब कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, इसको इनेबल करवा के आप दिखा सकते हैं कि देख भाई तेरा वाईफाई मेरे फ़ोन के अंदर कनेक्ट है, या फिर मेरी बैटरी फुल चार्ज है, या फिर फ़ोन के जो नेटवर्क है यहाँ पे पूरे आ रहे हैं। मतलब बस डेमो के लिए, मतलब शो ऑफ के लिए है ये बस आप ऐसे दिखाने के लिए फीचर यूज़ कर सकते हैं। और ये भी जो डेमो मोड है ये सभी फ़ोन के अंदर अवेलेबल है, तो आप इसको इसी तरह से शो ऑफ करने के लिए अपने फोन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो भाई मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक करना।